गाइस, हाय, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं क्रिकेट मैच देखने। मैं तो रेनकोट ही पहनूंगी। आज आप रेनकोट पहनोगे? आज हम जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने। एमपीएल होगी तो मैं यही देखूं। ये आईपीएल नहीं है, ये एमपीएल है। हम लोग जा रहे हैं एमपीएल देखने गाइस। और तू एक्साइटेड है बेटा? हाँ। बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग जा रहे हैं एमपीएल देखने, हमारे एक फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ आने वाले हैं, और हमारे ऑफिस के काफी लोग आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं रियल क्रिकेट कंपनी में। ये देखिए गाइस, हमें मिले हैं पासेस जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं आज एमपीएल मैच देखने के लिए। तो हम सब रेडी है? सब रेडी हो जाने के लिए? ये यस करो। इसका गाने नहीं खत्म हो रहे, देखो। तो चलो गाइस, अभी हम निकालते हैं गाड़ी और फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं पुणे स्टेडियम, आज वहां पर एमपीएल का मैच है, तो वही देखने जा रहे हैं। तो किसे किसे मजा आ रहा है? मैं देखो, मुझे मजा आ रहा है। हाँ। पापा को कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हम लोग भी। और देखो नुविशा, बचपन में उसको जाने को मिल जा रहा है। नुविशा 3 इयर्स में जा रही है। तो अभी बस फटाफट रेडी हुए, खाना खाए और अभी हम निकल रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं आज एमपीएल का मैच देख रहे हैं, और हमारे साथ है देवाशीष भाई। ये अभी जाने में बहुत टाइम हो रहा है, पता नहीं कब पहुंचे, बहुत लेट हो गए हम। देखते हैं कब पहुंचते हैं। और नुविशा तो सो रही है। नुविशा गाइस को बताओ कब पहुंचोगे आप, कि यही रह जाएंगे हम लोग? बहुत देर से सोने की एक्टिंग कर रही है क्या? सो गाइज, नॉटलिस मोबाइल की तरफ से हमें मिला था मौका एमपीएल मैच देखने का, और हम जा रहे थे अपनी टीम रत्नागिरी जेट्स को सपोर्ट करने। तो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं, बस अब अंदर जाने वाले हैं। नुविशा, नुविशा का लॉलीपॉप खत्म? नहीं है। नुविशा का मुंह देखो, किस कलर का हो गया है? तो गाइज, हम लोग आ गए हैं क्रिकेट स्टेडियम, मैच चालू हो चुका है। हम थोड़े से लेट हो गए, लेट बहुत नहीं हुए, मैच चालू अभी हुआ है, मैच भी डिले हो चुका था। दिखाता हूँ आपको स्टेडियम। सो गाइस, देखिए हम आ गए हैं क्रिकेट ग्राउंड। Lucky!
तो गाइस बारिश की वजह से क्रिकेट मैच को रोकना पड़ा, पर बारिश के ज्यादा लंबा चलने पर डीएलएस मेथड से डिसाइड किया गया कि रत्नागिरी जेट जीत चुकी है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं क्रिकेट स्टेडियम से। कैसा अनुभव, को मजा आया है? और मीका को? मुझे तो कुछ ज्यादा ही मजा आया, पर वो जब बारिश हो गई और मैच डिक्लेयर हो गया और मैच पूरा बंद हो गया, पर अच्छी बात है कि हम लोग जीत गए। जिस टीम को हम चेयर अप करने गए थे वो टीम जीत गई, और वो टीम थी रत्नागिरी जेट्स। ये हम जीत गए। हमने बहुत डांस किए, मैं तो बहुत डांस किया, पापा ने बहुत डांस किया, मजा आया। फाइनली बहुत दिनों बाद रोहित भाई के साथ घूमने को मौका मिला। यस, और आज हम लोग अपने कंपनी की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, और इसलिए नसीब अच्छा था। मैच तो वैसे देखने को नहीं मिला प्रॉपरली, बट हम लोग टीम को जिता दिए। हमारा टीम, वो भी रोहित भाई ने नाच नाच के बहुत जिताया। मैंने नाच नाच के, और क्या चाहिए, सही बात है। और मैं खाते खाते भी थे। और बताइए रोहित भाई, आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? मस्त, बहुत फर्स्ट टाइम। और बहुत मजा आया, बहुत मजा किया हमने। बस यही था कि एकदम प्रॉपरली मैच नहीं चला क्योंकि बारिश हो गई थी, बाकी तो सब बढ़िया था। पर हम जिस टीम को चेयर अप करने गए थे वो जीत गई। यस, हम तो निकल गए थे, फिर हम लोग जब वापस गए तब देखे तो थोड़ा बाहर खड़े थे हम लोग। हम सोचे कि अभी क्या ड्रॉ हो गया कि क्या हो गया, हमें तो वही लगा कि मैच अब स्टॉप हो गया, बारिश हुई तो अब आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, बट हो गया कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू मींस वो लोगों ने मैच डिक्लेयर कर दिया विनर। हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग तो प्लेऑफ में चले गए ना। हाँ। रोहित भाई और क्या। चलो भाई, तो मैं गाड़ी चलाने में फोकस करता हूँ, आप देवाशीष से बात करिए। देख लो थोड़ा सा, देख भी नहीं रहे। हाँ तो मैं गाड़ी चलाने में थोड़ा फोकस करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय गाइस, बाय।